Alkenes. आपको alkenes का क्या लिखना है भाई बेटा? नाम लिखना है, ठीक है? Write the name of following alkenes, ठीक है? आप देख लो इधर, लिखो सबसे पहला स्ट्रक्चर बना रहा हूं मैं, तुम लोगों को नाम लिखना है, ठीक है? स्ट्रक्चर बना रहा हूं, तुम लोगों को नाम लिखना है. Write the name of following alkenes. तो अल्किनाइल्स का नेमिंग कैसे करते हैं, किसी को कुछ आइडिया है? अल्किनाइल्स का नेमिंग कैसे करेंगे, किसी को कुछ आइडिया? हाँ, सबसे पहले क्या करेंगे, अल्किनाइल्स का, अल्किनाइल्स क्या होता है? सब्स्टिट्यूएंट होता है, बात क्लियर है? और सब्स्टिट्यूएंट का नेमिंग हम लोग कैसे करते हैं? हाँ, पेरेंट कार्बन चेन से जो कार्बन अटैच होता है उससे हम करते हैं. हाँ हाँ, इधर सबने होमवर्क किया है? होमवर्क नहीं, एक्चुअली लेट आया ना, मैं स्टार्ट कर दिया ना क्लास, जो जो मतलब जो जो सही है. चलो कोई बात नहीं ना, उसमें उसमें यहाँ से यहाँ थोड़ी ना किया मैंने, ये तो पहले से आई है सर. उनको इसी में बैठना है. एक काम करना वैष्णवी, तो एक काम कर, मेरे डेस्क पे रफ पेज है ना पड़ा होगा, रफ पेज ऐसा एक तरफ न्यूज पेपर टाइप का, उसमें मैं लिख रहा हूँ, डेस्क पे ओपन ही होगा, लेके आना जल्दी. हाँ मैडम बोलिए.
इसका नाम लिखना है, बताओ कैसे करोगे? नाम नाम कैसे लिखोगे बताओ? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करो,
अब नंबरिंग कहाँ से करेंगे बोलो? यहाँ से 1 2 3 4 5 या फिर 1 2 3 4 5 दोनों बराबर है, दोनों बराबर है बेटा, वही है। यहाँ से नंबरिंग करोगे तो भी दिक्कत नहीं है, यहाँ से नंबरिंग करोगे तो भी आपको तो दिक्कत नहीं है। आप बताओ बेटा क्या करोगे इसके बाद? अब यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट कौन सा है? ये वाला। अब देखो इस सब्स्टिट्यूएंट को बाहर निकालो, इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या होगा बेटा जल्दी बताओ? इथीन हो जाएगा एक, फिर YL आ जाएगा इथिनाइल। क्या नाम होगा बेटा इसका? इथिनाइल होगा कि नहीं होगा? देख लो ना 1 और 2, तो क्या बोलेंगे? इथीन 1 1 1 1 I। क्या हो जाएगा नाम इसका? E1 E1 I। तो पूरा नाम क्या होगा कॉमनली इसका? इथिनाइल। बात समझ में आया? बात समझ में आया तो नाम क्या होगा बेटा बोलो? 3 इथिनाइल 3 इथिनाइल। बोलो आगे नाम क्या होगा? पेंट। जल्दी बोलो पेंट। 5 कार्बन की चेन है, पेंट 1 1 कॉमा 4 1 कॉमा 4 ठीक है, पेंटा होगा बेटा। दो है ना, दो दो तो एल्का लिखते हैं, अल्का लिखते हैं, तो पेंटा 1 कॉमा 4 डाइईन 4। सबको समझ में आ रहा है? अब नाम क्या होगा बेटा इसका? जल्दी बोलो 3 इथिनाइल। एकदम परफेक्टली नाम लिखो, 3 इथिनाइल पेंटा पेंटा डाई 1.4 बोले जल्दी से 1.4 डाई इनाइल हो जाएगा इसका नाम। नाम हो आपको समझ में आ गया सिंपल? कैसे कैसे मैंने क्या नाम नाम करने का तरीका क्या है? सब्स्टिट्यूएंट समझ में आ रहा है पक्का? पक्का समझ में आ रहा है? नाउ अगला देखो, अगला नेक्स्ट। अगला CH3 CH double bond C single bond CH double bond CH CH single bond CH double bond CH2 CH3। आप जल्दी बताओ बेटा इसका नाम, जल्दी बताओ इसका नाम कैसे करोगे? प्रोसीजर बोलो। सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करोगे, लेकिन लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करने से पहले आपको ये चीज जानना पड़ेगा कि आपको नंबरिंग कहाँ से करनी है। जल्दी बताओ नंबरिंग कहाँ से करनी है? अब यहाँ से यहाँ जाओगे तो लॉन्गेस्ट मिलेगा कि यहाँ जाओगे लॉन्गेस्ट मिलेगा? राइट। लेकिन लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तो सेलेक्ट करनी है, लेकिन आप लोगों को ये पॉसिबिलिटी बनानी है कि आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड उसके अंदर कवर हो जाए। मैक्सिमम नंबर ऑफ क्या कवर हो जाए बेटा? डबल बॉन्ड उसके अंदर आप लोगों का कवर हो जाए। तो कैसे करोगे? अब देखो स्टार्ट कैसे करोगे, देखो ये आपका हो गया सब्स्टिट्यूएंट, ये आपका हो गया सब्स्टिट्यूएंट, ये आपका क्या हो जाएगा सब्स्टिट्यूएंट। अब इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम कैसे लिखोगे? इसका तो आपको आता था। अब देखो इसको वन मान, वन माना। अब कैसे लिखोगे? वन के साथ क्या जुड़ा हुआ है? मिथाइल। और ये क्या होगा? मिथिनाइल। क्या हो जाएगा? मिथिनाइल। ठीक है, एक कार्बन होगा तो मिथिनाइल, एक कार्बन। अगर बेटा ऐसा कोई भी कंपाउंड रहेगा जुड़ा हुआ और इसका नाम लिखना है इसमें एज अ सब्स्टिट्यूएंट, तो क्या होगा नाम? मिथिनाइल। क्या होगा नाम? मिथिनाइल। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लो इसको, सबसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना बेटा, ये प्रैक्टिस के टाइम इसको छोड़ना नहीं है, यहीं से क्वेश्चन पूछ लेगा। प्रैक्टिस के टाइम यहीं से क्वेश्चन पूछेगा, ये क्वेश्चन को बिना प्रैक्टिस के नहीं आना है एग्जाम में। बात क्लियर है? तो ये बात क्लियर हुआ, इसका नाम मैंने लिख दिया। इसका नाम क्या होगा? मिथाइल। अब ये बताओ ये आपका मिथाइल है, ये आपका क्या है बेटा? मिथाइल मिथिनाइल। तो अब बताओ विच वन इज, किसका किसका अल्फाबेटिक ऑर्डर में हम किसको आगे लिखेंगे? इसको लिखेंगे कि इसको? आप देखो ना यहाँ पर एम है, यहाँ पर एल के बाद भी एम है, लेकिन यहाँ पर एल के बाद कुछ है, तो किसको पहले लिखेंगे? इसको पहले लिखेंगे, नंबरिंग के हिसाब से नहीं, इसको पहले लिखेंगे। क्या आएगा बेटा बोलो? 4 मिथाइल। बोलो ना 1 मिथाइल मिथिनाइल। बोलो क्या आएगा? हेक्सा
क्लियर हुआ बात? बात क्लियर हुआ? समझ में आ गया? अब जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, आप कैसे करेंगे? सबसे पहले नंबरिंग करेंगे, आप बताओ जहां से जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 यहां से जाएंगे 1 2 3 4 5, तो कौन सा लॉन्गेस्ट हुआ? 6 वाला। ये सारे के सारे नाम किसके बेटा? सब्स्टिट्यूएंट के। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 बात क्लियर हुआ? अब बताओ इसका नाम क्या होगा? मिथाइल। इसका नाम क्या होगा? मिथाइल। तो मिथाइल पहले आएगा कि इथिनाइल पहले आएगा? तो क्या आएगा नाम इसका? 3-ethinyl 3-methyl हेक्सा 1.4 बात क्लियर हुआ? बात क्लियर हुआ? समझ में आया बेटा? नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन समझो बेटा। तुम्हारी क्लास में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना कि किसी को यहाँ बिठा लेता? अब वो बात तो वही है, लेकिन तुम लोग अपना डाउट पूछ सकते हो, क्योंकि क्या होता है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट एक दिन में एक सारे डाउट नहीं पूछ सकते ना बच्चे, एक दिन में तुम लोग डाउट पूछ सकते हो मुझसे सारे, सबको तो नहीं बता सकता ना इसी। यही एक लॉजिक है, उसकी वजह से मैं अपना वर्कलोड कम करना चाहता हूँ। सबको डाउट बताओ, बताओ कि प्रॉब्लम सबको नहीं बता सकता। नेक्स्ट बोलो, ये वाला कैसे करोगे बेटा? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करोगे? सी एस से पक्का? कहाँ की ओर जाएंगे? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करो। ये वाला ये हो जाएगा 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया आपका 7। क्लियर हुआ कंसेप्ट? बात क्लियर है? ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट कर लिया, इसका नाम क्या होगा? इसका नाम क्या होगा? इथाइल। इसका नाम क्या होगा? इथाइल। तो नाम क्या होगा जल्दी बोलो? 4 बोलो, इथिनाइल या इथाइल कोई बात नहीं, स्पेलिंग लिखो इथिनाइल और ये इथाइल। ठीक है, बताओ कौन पहले आएगा? इथिनाइल आएगा। तो क्या हो जाएगा नाम बोलो? 4-ethinyl 4-ethyl हेप्टा 2.5-diphenyl। बात समझ में आ गया अच्छे से? अच्छे से समझ में आया? क्लियर हुआ का बात? कंसेप्ट क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्स क्वेश्चन तुम लोगों को खुद करना है और मुझे चेक कराना है। ठीक है, सिक्स क्वेश्चन को तुम लोगों को खुद करना है, मैं चेक करूंगा। समझ में आया बेटा बात? जल्दी बताओ, सिक्स क्वेश्चन को तुम्हें खुद करना है और मैं करूंगा। करो तुम लोग, मैं उस क्लास में राम बात करूं।
बातें मत करना तुम्हें।
इसका नाम फटाफट। वन एटी नाइन टू प्रॉप प्रॉप टू इनाइल होगा ना, फोटो बाहर निकाल इसका, यही से जुड़ा हुआ है। वन टू थ्री तो प्रॉप टू इनाइल ये वाला क्यों ले लिया, ये वाला लेना है क्या, ये वाला क्यों लेना है, यही वाला लेना है, रीजन बताओ। सुनो, वन टू थ्री फोर फाइव, इस वाले को डबल बॉन्ड कौन से पोजीशन पे आया, यहाँ से वन टू थ्री फोर फाइव करोगे तो कहाँ पर आया, तो कौन सा वाला सही होगा। अब सवाल आप बताओ, प्रॉप टू इन आई क्या हो जाएगा, ठीक है। देखो कि कितने भयानक भयानक सब्स्टिट्यूएंट। अब क्या हो गई, ये सारे पेरेंट कार्बन चेन से अटैच हो गए, तब क्या करते हैं, अब पेरेंट कार्बन चेन भी बड़ा होता है, ये सारे पेरेंट कार्बन चेन से अटैच होते हैं, तब तो दिक्कत आती कि नहीं आती। अब तुम्हें इन सब के नाम आने लग गए, सब्स्टिट्यूएंट के नाम आ गए। अब ये बताओ, मैंने तुम्हें लास्ट टाइम बताया था एल्कीन से एल्किनाइल बनता है और एल्केन से
और क्या ये हाइड्रोजन किसी से सिमिलर है? तो ये भी क्या होगा? सेकंड टाइप। पास समझ में आया? दो टाइप का हाइड्रोजन है, सॉरी फर्स्ट टाइप का ही होगा। कितने टाइप का होगा? फर्स्ट टाइप के ही हाइड्रोजन होंगे, बात क्लियर है? तो यहाँ पर कितने टाइप के हाइड्रोजन है बेटा? वन टाइप के। पता कैसे लगाएंगे? पता लगाने का तरीका तुमको पता है, यहाँ से भी जाएंगे तो सी एच टू, यहाँ से जाएंगे सी एच टू, डबल बॉन्ड के साथ ही है सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच टू, यहाँ से लगेंगे तो सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच टू, बात तो एक ही है, बात तो एक ही है। अब देखो यहाँ से मैं हाइड्रोजन रिमूव करता हूँ, पता लगा, यहाँ से मैं हाइड्रोजन रिमूव करूंगा तो क्या बनेगा? ये बनेगा जो मैंने यहाँ से रिमूव किया। अगर मैं यहाँ से रिमूव करूंगा तो क्या बनेगा? अब नाम बोलो, वन टू। अब यहाँ बोलो वन टू, अब इसका नाम बोलो क्या आएगा? इथिनाइल। और इसका नाम बोलो क्या आएगा? मतलब जब आईयूपीएसी, जब इनके सब्सिट्यूट के नाम सेम हो जाए तो इसका मतलब टाइप ऑफ हाइड्रोजन भी क्या होते हैं? सेम होते हैं। इन्होंने बताया था एल्काइल में, बात क्लियर है? किससे तो समझ में आ गया हैंगर्स को, किससे तो कॉम्प्लीटली समझ में आ गया, ठीक है? तुझे नहीं आएगा अभी, बात में समझना, आप आराम से, लेट आए तो लेट ही रहेगा बेटा, जल्दी जल्दी बिना समझ में आएगा। अब देखो यहाँ पर ये वाला बताओ, इसमें कितने टाइप का हाइड्रोजन है? कैसे बॉन्डिंग अलग अलग हो रही है? एक ये वाला टाइप का, ये आपका फर्स्ट टाइप का हाइड्रोजन है, ये आपका कौन सा टाइप का है? फर्स्ट टाइप का है। ये आपका कौन सा टाइप का हो जाएगा? सेकंड टाइप का। क्या ये दोनों टाइप सिमिलर है? क्योंकि यहाँ पर सी एच थ्री सिंगल बॉन्ड सी एच, यहाँ पर क्या है? तो यहाँ पर तीन टाइप के थर्ड टाइप का हाइड्रोजन है बेटा, यहाँ पर, यहाँ पर थर्ड टाइप के, मतलब तीन टाइप का हाइड्रोजन हो बेटा। अब बात को ध्यान से समझाइए, जहां जहां डिफरेंट डिफरेंट टाइप का हाइड्रोजन है वहां से हमको क्या हटाना पड़ता है? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन हटाओ बेटा, यहाँ से क्या आएगा? सी एच टू सिंगल बॉन्ड सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू। अब बोलो नाम इसका, वन टू थ्री, प्रोपीन टू प्रोपीन इनाइल, ठीक है? बात एक ही है, टू प्रोपीन इनाइल या प्रोप टू इनाइल, बात एक ही, ठीक है? बात एक ही है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं। अब इसमें बताओ, इसमें से बीच में से मैंने जब हाइड्रोजन हटाया तो क्या हो जाएगा बेटा? जल्दी बताओ, कहाँ से करेंगे? वन टू करेंगे। अब बोलो नाम, वन मिथाइल, बोलो इथिनाइल, आ गया नाम समझ में? इसका नाम आ गया होगा। अब मैं एक बार यहाँ से हटा के देखता हूँ, देखो हटाओ, अगर मैं तीनों जगह से हाइड्रोजन हटाता हूँ तो नाम अलग अलग आ जाते हैं कि नहीं आ जाते बेटा? अब यहाँ से बोलो वन टू थ्री, इसका नाम क्या होगा? तो अलग अलग हो जाता है, नंबर भी चेंज होगा तो नाम क्या हो जाता है? अलग अलग हो जाता है। तो देखो कितने टाइप के एल्किनाइल बने, बने ना तीन टाइप के, तो इसमें टाइप ऑफ हाइड्रोजन भी कितने हैं? तो जितने टाइप ऑफ हाइड्रोजन होंगे उतने अलग अलग अल्किनाइल स्ट्रक्चर फॉर्म होंगे। जैसे जितने टाइप ऑफ हाइड्रोजन एल्केन में प्रेजेंट होते थे उतने अलग अलग एल्काइल बनते थे, वैसे ही जितने टाइप ऑफ हाइड्रोजन एल्कीन में प्रेजेंट होंगे उतने अलग अलग एल्किनाइल बनेंगे। बात क्लियर है? बात क्लियर है? समझ में आ गया सबको? समझ में आया सबको? अब नाउ नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते बेटा, देखते हैं अब अगला है। हाँ अब छोड़, अब छोड़, अब जहाँ अब पड़ोसी से पूछ लेना और डाउट सेशन में नोट डाउन कर लेना सब कुछ, ठीक है? डाउट सेशन के टाइम अब क्या करेगा, आप रफ में लिखना स्टार्ट करो, ठीक है? लेट मेरी वजह से तो नहीं हुआ, मैं तो क्लास उसी टाइम स्टार्ट करता हूँ जबकि तुम्हारा वेट, तुम लोगों का 10 मिनट बाद ही स्टार्ट करता हूँ मैं, अगर लाइट हुई तो इसमें मेरी जिम्मेदारी नहीं है ना। अब इसमें कितने टाइप का हाइड्रोजन है? एक तो ये टाइप का होगा फर्स्ट टाइप का, बात क्लियर है? दूसरा कौन सा होगा? क्या ये अलग टाइप?
आया ना, ये भी आपका सेकंड टाइम का होगा। ये वाला बताओ अलग टाइप का होगा, क्यों? बॉन्डिंग भी अलग है और सारा सब कुछ अलग दिख रहा है। ये वाला बताओ फोर्थ टाइप का, सेकंड टाइप का होगा ये? नहीं। तो फोर्थ टाइप का होगा, क्यों होगा? क्योंकि CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पर CH2, यहाँ CH आ रहा है, यहाँ CH3 आ रहा है, अलग टाइप का हो गया ना। कोशिश करो, बार बार कोशिश करोगे तो आएगा ये चीज, ठीक है? एक बार अगर ये आ गया ना, कमांड पकड़ा है मैं यहाँ से आ गया ना, तो सब समझ में आने लग जाएगा। आप क्या करोगे बेटा, आप लोगों को क्रॉस चेक करना है, क्या इसमें टाइप ऑफ हाइड्रोजन कितने बेटा? इसमें टाइप ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं? 4। अब हमको क्रॉस चेक करना है, तो क्रॉस चेक मैं कैसे करता हूँ? हाइड्रोजन निकाल के वहां से नाम लिखता हूँ। तो एक बार यहाँ से हाइड्रोजन निकालो, नाम लिखो। बोलो इसका नाम 1 2 3 4, क्या नाम होगा? ब्यूट थ्री इनाइल। अब यहां से हाइड्रोजन निकालो। ये क्रॉस चेक करने का तरीका है बेटा, ठीक है? आप बताओ नंबरिंग कहां से करेंगे? यहां से 1 2 3, क्या होगा नाम? बोलो 1 मिथाइल फ्रॉम 2 इनाइल, ठीक है? अगला बताओ, अगला बताओ बेटा। यहां पर अगला, यहां से हाइड्रोजन निकालो, यहां से हाइड्रोजन निकालो, क्या आएगा बेटा? हाइड्रोजन निकाल दिया ना, तो हाइड्रोजन बचेगा ही नहीं ना यहाँ पर। अब बताओ क्या होगा, जल्दी बताओ। यहाँ से नंबरिंग करते थे 1 और 2, डबल बॉन्ड को काउंट काउंट करना ही पड़ेगा, ठीक है? डबल बॉन्ड, हाँ, वन इथाइल, बोलो इथिनाइल। अब तुम्हारे मन में एक डाउट आया होगा, सर यहाँ से जाएंगे तो 1 2 3 मिल जाएगा ना, लेकिन प्रायोरिटी हम डबल बॉन्ड को ही देंगे। अगर डबल बॉन्ड मिल रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर मैं डबल बॉन्ड को सेलेक्ट करने के बाद भी डबल बॉन्ड छूट रहे हैं तो हम कुछ नहीं कर सकते उसको। लेकिन सिलेक्शन में हमको प्रायोरिटी डबल बॉन्ड को देनी है, और मैंने एक और लाइन लिखाया था, मैटर नहीं करता कि लेंथ कितनी है, डबल बॉन्ड आ गया तो डबल बॉन्ड आ गया, बात क्लियर है? नेक्स्ट, अगला अगला, यहां से निकाल दिया, इससे निकालो, देखो अब बताओ नाम। 1 2 3 4, नाम बोलो। ब्यूट वन इन आई, देखो सारे के सारे नेम अलग अलग है कि नहीं है, सारा नाम अलग है। चारों हाइड्रोजन को निकालने के बाद नाम अलग अलग आ रहे हैं, तो इसका मतलब चारों हाइड्रोजन क्या है? अलग अलग है। तो यहाँ पर टाइप ऑफ हाइड्रोजन भी कितने होंगे? 4, 4। टाइप ऑफ हाइड्रोजन भी कितने होंगे बेटा यहाँ पर? 4 होंगे, ठीक है? अगला क्वेश्चन आप लोगों को खुद से करना है बेटा, फोर्थ क्वेश्चन आप लोग खुद से एक बार अप्लाई यूज करो। मैं 2 क्वेश्चन लिखता हूँ, फोर्थ क्वेश्चन आपको खुद से करना है। CH3 C डबल बॉन्ड CH2, CH डबल बॉन्ड CH CH3, और आपको फिफ्थ भी आपको खुद से करना है। अभी खुद से करो, एक बार ट्राई करो आप लोग, और सबका सही आना चाहिए बेटा, कोशिश करो सबका सही आएगा। सबको सबको मैंने सेम चीज पढ़ाई है तो सबका सही आना चाहिए। स्टार्ट करो आप लोग, स्टार्ट करो फटाफट, स्टार्ट करो, और आवाज मत करना बेटा, अपना अपना ही निकालना, ठीक है? फिर आगे मैं डिस्कस करता हूँ, ठीक है?
जल्दी बोलो। फाइव पक्का? किस किस के आ गया? पक्का आ गया। और सेकंड में और फिफ्थ में? टू। चेक किया किसी ने इसका? चेक करके नाम नहीं आ रहा है समझ में। बड़ा एक नाम बहुत डेंजरस बनने वाला है। हाँ डबल वन वाला, आगे भी तो बताया था मिथिनाइल। याद करो ऐसा था सी एच थ्री सिंगल बॉन्ड सी एच ऐसा था कुछ, और मैंने बोला था इसका नाम। चेक करो आयु किसी नंबर इंग्लिशर एल की वो सब्सटिट्यूएंट वाला, सब्सटिट्यूएंट वाला, सब्सटिट्यूएंट वाला अभी है एल्किनाइल का आयु किसी नंबर इंग्लिशर का कराया था, उसमें चेक करो ऐसा कुछ कंपाउंड होगा। तीसरे क्वेश्चन में और मैंने इंपॉर्टेंट लगाया था। आ गया हाँ, इसको मिथाइल मिथिनाइल बोलते हैं। और अगर डायरेक्टली ऐसा होगा तो उसको क्या बोलेंगे? मिथिनाइल। मिठाई तो है ही नहीं ना एटे। अब ध्यान रखना थोड़ा सा, कोशिश करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब क्या करोगे, एक ये फर्स्ट टाइप का मिला होगा तुमको, ठीक है? ये कौन सा मिला होगा? ये बोल ही नहीं सकते क्यों? हाँ मतलब तुम लोगों को आ कितनी जल्दी रहा है इतनी। ये कौन सा होगा? मैं तुम्हें शॉर्टकट्स क्यों नहीं बता रहा मालूम है? रीजन बताओ किसी को याद हो तो। शॉर्टकट तो गलत होता है, रीजन बता रहा हूँ मैं। आप जो इसके बाद जो टॉपिक आएंगे ना ऑर्गेनिक के, वो पूरे एनालिसिस करने वाले हैं एक्चुअली, और उसमें भी शॉर्टकट बहुत सारे हैं, वो सारे मैं बताऊंगा। लेकिन मॉलिक्यूल अगर आप लोगों को एनालिसिस करना आ जाएगा तो दुनिया का कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। जेई में ऐसा ही क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको एनालिसिस करना पड़ेगा, समझ में आया? इसीलिए मैं एनालिसिस अभी से करवा रहा हूँ। करो बताओ आपको हाइड्रोजन। जल्दी बताओ इसका नाम, नाम बोल। टू मिथिनाइल, क्या आएगा? एक दो तीन चार पांच, इसका नाम टू मिथिनाइल। टू मिथिनाइल एक दो तीन, लेकिन कार्बन चेन सेलेक्ट कर रहा हूं तो एक ना एक डबल बॉन्ड मेरा छूट ही रहा है। बात क्लियर है?
बात के लिए दूसरा स्टेप क्या होता है जिसमें मैक्सिमम डबल बॉन्ड हो वो वाला सेलेक्ट करना है। तो ये वाला सेलेक्ट किया तो भी एक डबल बॉन्ड, ये वाला सेलेक्ट किया तो भी एक डबल बॉन्ड, ठीक है। तीसरा क्या होता है, फिर हमको लेंथ चेक करना पड़ता है। फिर हमको क्या चेक करना पड़ता है, लेंथ। और लेंथ के बाद क्या चेक करना पड़ता है, लोकेट नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। फिर हमको लेंथ चेक करना पड़ता है, उसके बाद लोकेट नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। जो लास्ट क्वेश्चन कराया था उसमें दोनों की लेंथ सेम थी, मैंने लोकेट नंबर चेक कर लिया था, ठीक है। इसीलिए लेंथ देखो 1 2 3 4 5 यहीं पर इसका एक्सप्लेनेशन लिख लेना, इसी क्वेश्चन में लिख लेना, समझ जा बेटा। बोलो नाम क्या होगा, टू बोलो आप, मिथिनाइट पेंट थ्री इनाइल। किसको समझ में आ गया, पूरा ये वाला समझ में आ गया। अगर मैंने यहाँ से हाइड्रोजन हटाया तो बोलो नाम क्या होगा। सुनो अगर यहाँ से मैंने हाइड्रोजन हटाया तो क्या नाम होगा बेटा, जल्दी बोलो। वन टू थ्री फोर फाइव क्या होगा, टू मिथाइल पेंटा वन कोमा थ्री, वेरी गुड, टू मिथाइल पेंटा वन कोमा थ्री डाई इनाइल। बात क्लियर है, यहां से अगर मैंने हाइड्रोजन निकाला तो आप बोलो। ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये वाला इंपॉर्टेंट है बेटा, बात मत करो। ये यहां से अगर मैंने हाइड्रोजन निकाला तो क्या होगा, बोलो। वहां से मैंने अगर हाइड्रोजन निकाला तो क्या होगा बेटा, जल्दी बोलो आंसर। बोलो आप देखो, सी एच थ्री सिंगल बॉन्ड, सी डबल बॉन्ड, सी एच टू, ठीक है। यहां पर क्या जाएगा, सी एक हाइड्रोजन निकाल दिया, डैश लगा दिया, डबल बॉन्ड सी एच सी एच थ्री। आप बोलो इसका नाम, एक दो तीन मैंने सिलेक्ट कर लिया। देखो यहां से भी एक दो तीन, यहां से भी एक दो तीन, बोलो लेंथ से। तब क्या करेंगे, लोकेट नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। अब सब्स्टिट्यूट क्या बन गया, इस सब्स्टिट्यूट का फोटो बाहर निकाल लो। अब बताओ इस सब्स्टिट्यूट का नाम कैसे लिखेंगे, वन टू, बोलो आप क्या बोलेंगे इसको, वन मिथाइल इथिनाइल। इसका नाम हो गया आपका वन मिथाइल इथिनाइल। अब बताओ कैसे लिखोगे, वन ब्रैकेट में बोलो वन मिथाइल इथिनाइल, आगे बोलो क्या हो जाएगा। लेफ्ट साइड जाएंगे तो सब्स्टिट्यूट टाइम, लेकिन हम डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे ना। मैंने क्या एल्कीन में कभी ऐसा बोला कि नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट वाला लिखा है ना, जब नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट वाला लिखाऊंगा वो अगर जब भी आएगा ना क्वेश्चन ऐसा तब मैं बताऊंगा, उसकी चिंता मत करो। यहां पर तुम्हें जो जो समझना कोई भी समझो, ठीक है। एक्सप्लेनेशन इसी को, ठीक है। ये नाम आ गया, इसके बाद क्या होगा, नाम बोलो, फ्रॉम वन इनाइल, ठीक है। नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट वाला केवल एल्केन में दिखेगा, ठीक है। एल्केन में देखो सबसे ज्यादा वही काम आएगा। अभी वैसे क्वेश्चन भी कराऊंगा मैं, हर टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा, चिंता मत करो। अगला इस क्वेश्चन में क्या होगा, अगला कौन सा, ये वाला निकाल लिया, ये वाला टाइप निकालो, कहां से होगा नंबरिंग, 1 2 3 4। आप बोलो नाम, 1 3 डाइमिथाइल ब्यूट ब्यूटा 1 3। ये वाला यहां से निकालो हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5, 4 मिथाइल पेंटिनाइल पेंटा 2 4 डाइनाइल। समझ में आ गया, मैंने सारे के सारे नाम अलग आ रहे, क्रॉस चेक हो चुका है, क्रॉस चेक तुम लोग खुद से भी क्या करो। अब देखो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर टाइप 1 ये वाला ये अलग T1 है टाइप 1, ये वाला T2 है, तो ये वाला कौन सा होगा, T2 ही होगा, ये वाला कौन सा होगा। अब समझ में आ गया कितने टाइप के, दो टाइप के। मिरर इमेजिंग किसने किया, एंड्रॉइड सर।
मेरा रिजल्ट लगा के किसने किया? नहीं करना है, नहीं करना है, कोशिश कैसे करना है? देख बेटा, मेरा रिजल्ट लगा के करना होता तो मैं तो तुरंत बता देता, मेरा काम आसान, मेरा मुझे मेरा काम तो आसान करना है तो मैं मेरा रिजल्ट लगा के मैं बोलता कि मेरा काम आसान हो गया तुम्हारा क्वेश्चन। तुम लोग बोलते कि सर यहाँ सर बिल्कुल बहुत फर्स्ट क्लास पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं सर, एक क्वेश्चन भी डाउट नहीं आ रहा है, लेकिन वो तुम्हें आगे जाके तकलीफ देगा। सो मेरा रिवेज वाला यूज कम से कम करो, तरीके को यूज करो, ठीक है? जो चीज आपको आप देखो, मैंने आज में वो ट्रिक बता दिया, यहाँ से जाओगे घर पे जाओगे अरे सर ने तो बहुत गजब पढ़ाया, एकदम इतना इजीली न्यूमेरिकल होता है पता ही नहीं पड़ता, समझ में आया? इतना इजीली न्यूमेरिकल होता है कि हाथ बात ही नहीं है, सर तो ऐसे पढ़ाते बहुत बढ़िया है एकदम। और जब नया क्वेश्चन आ गया गेम में तो नहीं हुआ यार, सर तो गलत पढ़ाते, ऐसा ही होता है, रू रही है। तो इस चीज को समझो कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो मैं तरीका बता रहा हूँ, ठीक है? और जो मैं बताऊंगा ट्रिक वो सबसे कम से कम यूज करना है। आप लोग अगर उसे यूज करोगे तो आप कभी नहीं बढ़ पाओगे, माइंड खुलेगा ही नहीं ना, तुम्हारा माइंड अभी बंद है बेटा, ओपन का है तुम्हारा माइंड बंद हो चुका है। आप दोनों को क्रॉस चेक करना है, वहां पर कितने टाइप के एल्किनाइल बनेंगे, बनेंगे ना, तो बस अब आपको क्रॉस चेक खुद से करना है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप ऑफ हाइड्रोजन से, टाइप ऑफ हाइड्रोजन से ही नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है बेटा? मेरा ऐसा मन नहीं कि तुम लोगों को नीचा दिखाओ, ये बात ध्यान रखना, मेरा ऐसा मन है कि तुम लोग अच्छा करो। ये वाले क्वेश्चन तुम्हें खुद से करने हैं, फिर से एक बार कोशिश करो और क्रॉस चेक करना, घर जाके वापस से कौन कौन पढ़ता है सेम चीज, कौन कौन वापस से घर जाके पढ़ता है सेम चीज, रफ में लिख लिख के पढ़ते हो, रफ में लिख लिख के कौन कौन पढ़ता है, एड्रेस करना, रफ में लिख लिख के पढ़ोगे तो ये आएगा। आप जल्दी बताओ बेटा इसमें कितने टाइप के होंगे, कितने टाइप के होंगे? अगर मैंने मान लिया इसको टाइप वन, ये मैंने मान लिया टी वन, तो ये क्या होगा? टी वन होगा पक्का, किस किस को डाउट है? ये भी हो गया टी वन, ये क्या होगा? टी टू होगा, ये क्यों नहीं होगा? हाइड्रोजन भी नहीं है, तो टाइप ऑफ हाइड्रोजन कहां से निकालेंगे? हाँ, ये कौन सा होगा? ये वाला बताओ आप, यहाँ पर क्या होगा? ये वाला T2 हो जाएगा, ये वाला अलग ही होगा, ये वाला भी अलग होगा। तो यहाँ पर कितने टाइप आएंगे? चार, वहां पर कितने आएंगे? तीन। बात समझ में आ गया? क्रॉस चेक करना आप तुम्हारा होमवर्क है, जितने टाइप होंगे उतने ही टाइप के एल्किनाइल बनेंगे। तो क्वेश्चन क्या आएगा कि हाउ मेनी एल्काइन फॉर्म बाय फॉलोइंग स्ट्रक्चर, तो निकाल दोगे कैसे निकालोगे? टाइप ऑफ हाइड्रोजन निकाला तो हाउ मेनी एल्किनाइल फॉर्म फॉलोइंग स्ट्रक्चर, कैसे निकालोगे? अब तुम्हें आ गया, अच्छे से आ गया, किसी को कोई तकलीफ? चलो इसमें बताओ सेवन क्वेश्चन, इसमें कितने टाइप के होंगे सब बताएंगे। यहाँ से डबल बॉन्ड आ रहा है,
यहां से डबल बॉन्ड आ रहा है, यहां से सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, यहां से भी सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, तो दोनों का टाइप क्या है? यहां से ये भी इसी के सेम होगा, मिरर इमेज काम आ गया, समझ में आ गया किस किस को कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया, क्लियर हो गया। अब तो तुम्हें टाइप ऑफ हाइड्रोजन में दिक्कत नहीं होगी, सारे क्वेश्चन घर जाके वापस से रिपीट करना है। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो आप, फाइंड द राइट डाउन द नेम ऑफ एल्कीन, राइट डाउन द नेम ऑफ फॉलोइंग एल्कीन, राइट डाउन द नेम ऑफ फॉलोइंग एल्कीन। अभी तुम्हें शुरुआत में लग रहा होगा सर क्या क्या पढ़ा रही है यार, तो फालतू की चीजें एक ही चीज में घुमा रहे हैं बेटा, यही तुम्हारे सबसे ज्यादा काम आने वाला है रिएक्शन में, जो कैलकुलेशन होगी ना एक टाइप ऑफ हाइड्रोजन की तुम्हें कैलकुलेशन करने में मदद करेंगे, तो उसी दिन तुमको तैयार रहना चाहिए ये सब चीजें, ठीक है? क्योंकि जो चीजें वो चीजें जो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ ना वो सब काम आने वाली, सब ए टू जेड, एक पॉइंट ऐसा नहीं है जो आपका काम नहीं आने वाला, एक पॉइंट ऐसा नहीं है जो आपका काम नहीं आने वाला, तो सब चीजें काम आने। लिखो अगला नेम ऑफ द एल्कीन, आप लोग खुद से लिखोगे। अब बताओ एल्कीन आयन का नोमेनक्लेचर कैसे करते थे, जहां से पेरेंट कार्बन चेन जुड़ा होता वहीं से नंबरिंग करते थे, लेकिन एल्कीन में कैसे करेंगे? एल्कीन का तरीका लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस कार्बन चेन सेलेक्ट करोगे, उसके बाद वही कार्बन चेन सेलेक्ट करोगे जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड आए, अगर मान लो दोनों में सेम आ गए तो क्या चेक करोगे? लेंथ, लेंथ चेक करने के बाद क्या चेक करोगे बेटा जल्दी बताओ? हाँ लेंथ भी सेम आ गया, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड भी सेम आ गया, दे लोकेट नंबर, और नंबरिंग के लिए क्या रूल लगाओगे बेटा? आर एफ पी डी और डबल बॉन्ड, और दूसरे में क्या लगाओगे? आर एफ पी डी और डबल बॉन्ड, अगर फेल हो गया तो आर एफ पी डी और सब्स्टिट्यूएंट, अगर आर एफ पी डी और सब्स्टिट्यूएंट फेल हो गया तो समझ में आ गया बेटा हमारा पीछे चल रहा है, नहीं हमारा पीछे चल रहा है लेकिन हमारा अच्छे से चल रहा है, ये मान के चल, ठीक है? अच्छे से चल रहा है इन द सेंस हम आगे की चीजें जल्दी जल्दी समझ में आएगा, ठीक है? ऐसा नहीं कि तुम लोग सोच रहे हो कि सर तो धीरे धीरे पढ़ा रहे, धीरे धीरे नहीं पढ़ा रहे बेटा, ये सब चीजें काम आती है सारी। डबल बॉन्ड और उसके बाद कौन से पे आ रहा है? उसके बाद कौन से पे आ रहा है?
उसके बाद कौन से पे आ रहा है? उसके बाद कौन से पे आ रहा है? नाइन पर आ रहा है पक्का। ठीक है, अब अगर मैंने यहाँ से यहाँ गया आने स्पीड, एरो का साइन ध्यान से मत बोल, बताओ टू पर फाइव पर सिक्स पर आ रहा है? हाँ सिक्स पर आ रहा है, बोलो आगे एट टेन। अब बताओ विच वन इज करेक्ट? टेन पर आ रहा है एक दो, हाँ चलो ठीक है। विच वन इज करेक्ट, दिस वन या फिर दिस वन? यहाँ हमने आर एस पी डी कहाँ लगाया? ये हमने किसके लिए देखा, केवल और केवल डबल बॉन्ड के लिए। तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे? वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन। अब बताओ नाम, नाम क्या बताओ? अब देखो ये सब्स्टिट्यूएंट है, इसका नाम क्या होता है? इसका नाम क्या होता है बोलो नाम। अब बताओ सबसे पहले ये मिथी, ये मिथाइल, ये इथिनाइल, कौन पहले आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में? तो क्या बोलोगे? एट इथिनाइल थ्री मिथाइल, बोलो हाँ बोलो पहले। अंडे के, अंडे बोलते हैं 11 को क्या बोलते हैं? अंडे, बोलो आप 1, 3, 5 अंडे का बोलेंगे ना, अल्का बोलते हैं 1, 3, 5 9 टेट्रा, टेट्रा ईन होगा ना बेटा, हम उसका नाम थोड़ी ना लिख रहे हैं एल्किनाइल का, हम किसका लिख रहे हैं? एल्किन का लिख रहे हैं ना, इसके नाम में आएगा एल्किनाइल, सब्स्टिट्यूएंट में आता है ना एल्किनाइल, आई किस में आता है? सब्स्टिट्यूएंट में। ये बात ध्यान रखना, समझ में आया इसको नॉर्मल और नॉर्मली हमको नाम लिखना है, ठीक है। ये मैं अलग अलग इसलिए सिखा रहा हूँ क्योंकि ऐसे कंपाउंड आप लोगों को मिलेंगे, टकराएंगे, तब तुम लोग घबराना मत, रूल को फॉलो करना सारे काम हो जाएंगे। सेकेंड रूल बोलो अगला, सेकेंड क्वेश्चन। अच्छा ये वाला तुम्हारा बहुत मजेदार क्वेश्चन है, ये वाला अच्छा क्वेश्चन है जो मैं लिख रहा हूँ, ये यहाँ से और तुम्हें क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट, यहाँ से तुम्हें कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा अच्छे से, और जिसके मन में डबल बॉन्ड वाला लेंथ वाला है ना उसको पक्का क्लियर हो जाएगा। आप बताओ सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन, सेलेक्ट करो एक ये वाला होगा, बोलो बोलो ना, बोलो तुम लोग। एट हो गया, देखो आठ कार्बन की। अब पहले समझो ये वाले में क्या बोलना चाह रहे हैं, बोलो तुम लोग, मैंने क्या बोला था पिछली बार, बोलो आठ कार्बन की चेन है With three double bond और एक छूट रहा है, इसको क्या बोलेंगे? आठ कार्बन की चेन है, थ्री डबल बॉन्ड है, एक छूट रहा है, दोनों में कंडीशन बराबर आ गई। अब किसका यूज करेंगे? लोकेट नंबर का। अब देखो अगर मैं इसके हिसाब से जाऊंगा तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और अगर मैं इसके हिसाब से जाऊंगा तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब बताओ इस अगर मैं यू गया मैं, सुनो यू गया तो इसमें डबल बॉन्ड कौन कौन से पोजीशन पे आ रहा है? 1, 4, 7 और अगर मैं ऐसे जाऊंगा, अब मैं अगर ऐसे जाऊंगा तो कौन से पोजीशन पे आएगा? 1, 4, 6 तो कौन सा वाला सही होगा? ये तो हो गया, तो ये वाला पेरेंट कार्बन चेन होगा। अब इसमें से तुम्हें आपने नंबरिंग सेलेक्ट कर दिया, आर एफ पी डी अगर इस तरफ मूव करूंगा इस तरफ मूव करूंगा तो आर एफ पी डी सबसे पहले कहाँ लगाते हैं? डबल बॉन्ड पे लगाओ, इस तरफ गए तो 1 पर आएगा, 4 पर आएगा, 6 पर आएगा, और इस तरफ से मूव किया तो 2, 4, 7 तो बीच में इस करेक्ट, यहाँ से नंबरिंग करेक्ट है। आप बताओ नाम, ये भी सब्स्टिट्यूएंट है, ये भी सब्स्टिट्यूएंट है, दोनों का नाम तुमको आता है, बोलो नाम। सेम
तो ऑर्गेनिक कंपाउंड करेंगे, तो यहाँ पे क्या जाएगा ट्राई। समझ में आया कंसेप्ट, अच्छे से क्लियर हुआ? मैंने एक एक लाइन एक्सप्लेन की है बेटा, एक एक लाइन मैंने 5-6 बार बोला है, बोला है कि नहीं बोला है? बोला है ना, तुम्हें याद रहना चाहिए। अब तो याद हो गया होगा, तो तुम्हें मेथड याद हो गया होगा कैसे करना है। किसी पॉइंट पे कोई कंफ्यूजन है? सब तरीके की कंडीशन मैंने यूज कर ली है, सब तरीके की कंडीशन मैंने अप्लाई कर दी है बेटा। अब इसके अलावा कोई कंडीशन बनता ही नहीं है बेटा, इसके अलावा कोई कंडीशन का ऐसा क्वेश्चन आपको आएगा ही नहीं। अब तुम्हें मैं दो क्वेश्चन दे रहा हूँ, तुम दो करना है, ठीक है? जल्दी कर लेना। करना है अभी, ठीक है बच्चा? करोगे पक्का? प्रॉमिस करो, कर लोगे ना? अभी सीधा मुझे नाम बताना, मुझे जो क्वेश्चन पूछो वो बताना, ठीक है? नहीं तो तुम लोग के क्लास में नहीं आ पाया ना मैं, तो सुनना, तुम लोग की क्लास में नहीं आ पाया ना तो मुझसे ऊपर आके पूछना, दोनों करो अभी बैठे, ठीक है? तुम जान ही रहे हो, मैं दोनों क्लास पे ध्यान रखता हूँ ना, ध्यान रखता हूँ कि नहीं रखता तुम क्लास पे, तो फिर तुम लोगों को भी ध्यान रखना है, ठीक है? थर्टीन का क्यों? चलो तुम लोग करो ना, तुम लोग करो।
करना, लेक्चर में इसको भी आपने मतलब ठीक है।